आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में शिव कुमार सर एट श्री कृष्ण स्कूल भेंद्रखंड पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों जो हमने पहले वीडियो में आपने केमिस्ट्री में एडल यूनिट के अंदर पढ़ा था ना, सोप डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट स्टील टाइप और उसके यूजेस प्रिपरेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो बच्चों उसी कंटिन्यू करते रहे ना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा डिटर्जेंट, जो हमारा टॉपिक था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज पढ़ेंगे ना वो क्या है, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। तो बच्चों डिटर्जेंट की डिसएडवांटेज कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी एक ही मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिटर्जेंट्स वो हाईली ब्रांच चेन कंपाउंड, ये जो इसके अंदर है ना ज्यादा ब्रांचेस चेन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। कैसे, जैसे इस तरीके से या आपके पास कार्बन की चेन है तो इधर चेन मिलेगी, इधर चेन मिलेगी, इधर चेन मिलेगी, ठीक है जी। इस तरीके से आपका डिटर्जेंट होगा तो इससे क्या होगा, ये जो आपके चेन है ना, चेन ये टूट नहीं पाएगी, डिकम्पोज नहीं होगी, इससे इट डज नॉट डिकम्पोज टूटे नहीं, इससे डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स से टूटेंगे नहीं, ठीक है। और टूटेंगे तो कैसे होगा आपका, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या लगेगी, दैट इज इट काज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन करता है, ठीक है। इस वजह से इसकी मेन डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट की, यही दोबारा देख ले, डिटर्जेंट की डिसएडवांटेज क्या होती है, ये जो दिख रही है आपको इसमें हाईली ब्रांच है, ये ब्रांच कार्बन की और ये टूटती नहीं है, किससे, माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई बैक्टीरिया वायरस, तो उसे अब क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और टूट जाते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन, ये छोटी सी डिसएडवांटेज एक ही थी मेन। और नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स। सबसे पहले तो ये इसका फर्स्ट कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना, एसिडिक सॉल्यूशन उसके अंदर डिसॉल्व होती है। नंबर एक, डिटर्जेंट आर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन, डिटर्जेंट्स ना वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम, जबकि वेयर एज सोप इज नॉट, साबुन ऐसा नहीं होता, साबुन डिसॉल्व नहीं होता एसिडिक में। सेकंड है ना डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिटर्जेंट साबुन था ना वो आपने पढ़ा था हार्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, डिटर्जेंट्स है ना वो सॉल्युबल होता है किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर वेयर एज सोप इज नॉट डिसॉल्व। थर्ड है डिटर्जेंट्स वो क्या करता है, डिटर्जेंट्स रिड्यूस करता है क्या, सरफेस टेंशन मोर ज्यादा देन इससे सोप से, मतलब सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट्स ना आपको सरफेस टेंशन ज्यादा रिड्यूस करता है, रिड्यूस जितना रिड्यूस करेगा ना उतनी ही क्लीनिंग एक्शन, उतनी सफाई ज्यादा होगी, उसे उतनी डर्ट पार्टिकल्स उनको हटा देगा। फोर्थ आता हमारे इसके साथ साथ कि डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस करता है लेदर, ज्यादा लेदर देगा, लेदर में झाग, और जितने ज्यादा झाग होगा ना किसी भी चीज के अंदर वो उतना ज्यादा क्या करेगा, क्लीनिंग एक्शन। तो ये चार बातें दो नंबर में पूछ सकता आपसे कि व्हाई डिटर्जेंट्स बेटर ओवर सोप्स, या एडवांटेज डिटर्जेंट बेटर देन सोप्स, तो कौन-कौन सी, फर्स्ट डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम एसिडिक सॉल्यूशन वेयर एज सोप इज नॉट, सेकंड डिटर्जेंट्स आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर एंड सोप इज नॉट डिसॉल्व हार्ड वाटर, थर्ड है डिटर्जेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन मोर देन सोप,
हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है सरफेस टेंशन को ज्यादा सोप के कंपैरिजन में, और फोर्थ हाइड्रोजन प्रोड्यूस लेदर, ज्यादा लेदर प्रोड्यूस करता है इन कंपेयर टू सोप। यहां तक क्लियर हो गया कोई? यस सर। क्लियर अमित? चल आगे, नेक्स्ट अगला टॉपिक नहीं है हमारा, इसलिए आता है ये सोप डिटर्जेंट आपका खत्म हो चुका पार्ट 1 था। इसमें इसके अंदर तीन पार्ट बताया था आपको, पहला पार्ट था सोप डिटर्जेंट्स, सेकंड पार्ट केमिकल इन फूड, और थर्ड पार्ट मेडिसिन। कोशिश करेंगे आज ना आपको पूरा ही करवा दें, ठीक है? यूनिट खत्म हो जाएगी और कुछ बच्चे क्या करते हैं सरफेस केमिस्ट्री करवा दो, कुछ क्या करते हैं बायोमोलिक्यूल करवा दो, तो इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल है ना वो रिवाइज करवा देंगे, रिवाइज, और उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज करवाएंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है पार्ट 2, पार्ट 2, वो पार्ट 2 कौन सा हमारा? केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड पार्ट 2, केमिकल इन फूड। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है ना वो कौन सा आता है? फूड एडिटिव, फूड एडिटिव्स। ये क्या होता है फूड एडिटिव्स? जैसे आपने देखा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अगर आप जैसे डालोगे सब्जी के अंदर वो कलर चेंज कर देते हैं, उसका फ्रेग्रेंस, उसका ऑडर, उसकी अपीयरेंस, उसका टेस्ट, तो वो सारे सारे क्या होते हैं फूड एडिटिव्स। जैसे हल्दी डालते हो सब्जी के अंदर तो उसका कलर चेंज होता है, मिर्च मसाले डालते हो उसमें उसका टेस्ट बढ़ता है, उसे कहते हैं फूड एडिटिव्स। ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच इम्प्रूव, द केमिकल सब्सटेंस विच इम्प्रूव क्वालिटीज, क्वालिटीज अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑर्डर, ऑर्डर स्मेल, टेस्ट एंड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है जी, केमिकल सब्सटेंस विच इंप्रूव, इंप्रूवमेंट करे क्वालिटीज का, अपीयरेंस का, ऑर्डर का, टेस्ट का और न्यूट्रिशन वैल्यू, उसे बोलते हैं फूड एडिटिव्स, दैट इज फूड एडिटिव्स। अब इसके अंदर ना हमारे सिलेबस वैसे बहुत सारे होते हैं, सिलेबस तो आपके तीन ही है, तो पहला कौन सा हमारा? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सेकंड जो हमारा है ना वो क्या है हमारा इसके बाद में? फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। और थर्ड जो आएगा हमारा वो क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट। इन तीनों को पढ़ना है, इस एग्जाम की पार्ट छोटा ही है, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कैसे क्या काम करता है, होता है क्या है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कौन सा? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और देखो नाम से इंडिकेट, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है? जो आपके नेचुरल, नेचुरल ना हो और आर्टिफिशियल भी बोलो तो नेचुरल चीज ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी रखा है, बार बार वही क्वेश्चन आता है, बार बार इसमें क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं, व्हाई, व्हाई डू पीपल, व्हाई डू पीपल रिक्वायर, व्हाई डू पीपल रिक्वायर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। जो पीपल से ना जो लोग उनको जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ये टॉपिक है हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है। तो इसमें मेन जो की है इसका आंसर समझो पहला कि जो आपकी ग्लूकोज है, ग्लूकोज हुआ या सुक्रोज है, सुक्रोज या फ्रुक्टोज है, फ्रैक्टोज। दोबारा देखो ग्लूकोज सुक्रोज फ्रैक्टोज, इसकी कैसे है? आर नेचुरल, नेचुरल स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। ये नेचुरल होता है चीनी, आपकी चीनी, चीनी के साथ फ्रक्टोज ग्लूकोज, ये नेचुरल होता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट? इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड लार्ज कैलोरी। ये हमें ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, कैलोरी मतलब आपकी एनर्जी, ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रमोट, एंड प्रमोट, उससे क्या होगा? प्रमोट टूथ डिके, ठीक है जी, उससे प्रमोट टूथ डिके, आपके दांत ज्यादा जल्दी क्या गिरने की संभावना होगी। तो इससे बचने के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है जी। टू अवॉइड, टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, पीपल रिक्वायर, पीपल रिक्वायर, पीपल रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, पीपल रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। दोबारा देखिए, व्हाई डू पीपल रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है दो नंबर में, तो
जो आपके नेचुरल स्वीटनेस है उतना मेन चीनी कैन शुगर बोल शुगर केन ठीक है नहीं टेबल शुगर ग्लूकोज व सुक्रोज लैक्टोज आर नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट नेचुरल होता है इट प्रोवाइड लार्ज कैलोरी ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करता है उससे टूथ डिके मतलब दांत गिरने की संभावना ज्यादा और इस ऐसे प्रॉब्लम बचने के लिए आप पीपल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्लियर। अब इसमें कौन कौन से होते हैं ना वो देखो एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल आता है हमारा सैक्रीन मतलब आप कौन कौन से पढ़ोगे सैक्रीन ठीक है फर्स्ट। फिर आएगा एस्पार्टेम ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको एस्पार्टेम। फिर आएगा एलिटेम एलिटेम और सुक्रोलोज सुक्रोलोज ये चार चार ये आपने क्या है चारों चारों आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब वन बाय वन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आता है सैक्रीन 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 का ये कौन दूसरा नाम ये ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड ठीक है जी। अब ये क्या होता है डिटेल में इसकी क्या काम करता है ठीक है कहाँ पर ये यूज होता है क्यों पढ़ते हैं इसको इसके बारे में देखो एक ही दो दो लाइन के आपके सारे हैं ये ठीक है आसान सा टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट है थ्योरेटिकल। तो जो और सैगरीज का और सर्वो बेंजामाइड सबसे पहला पॉइंट ये कि फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का पहला सबसे पहले ये था इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ठीक है नहीं मतलब फर्स्ट इसमें क्या आएगा इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये आ रहा है इसके अंदर क्या दीज आर यूज्ड बाय कहाँ पर यूज करते हैं दीज आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट जो जिनको डायबिटीज होती है ना डायबिटीज वो यूज करते हैं डायबिटीज पेशेंट क्यों क्योंकि ना बिकॉज इसलिए बिकॉज इट एक्सक्रीट थ्रू यूरिन तो ये ना यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट है ना उसके लिए यूजफुल आपका ये क्वेश्चन पूछा कि डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करता है तो उसका आंसर सैक्रीन हो सकता है आपके पास एस्पार्टेम भी और सुक्रोलोज भी ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आएगा आंसर आएगा थर्ड ना थर्ड थर्ड क्या आएगा आपका सैक्रीन के अंदर इट इज इनसोल्युबल फॉर्म इट इज प्रेजेंट इन इनसोल्युबल फॉर्म ये इनसोल्युबल फॉर्म में होता है इनसोल्युबल फॉर्म एंड सोल्ड इन मार्केट मार्केट में सोल्ड होता है ना सोल्ड इन मार्केट इन सोल्युबल फॉर्म लाइक लाइक सोडियम एंड कैल्शियम साल्ट जो आप मार्केट में आपका सोल्युबल होगा ना किस किस फॉर्म में होगा सोल्युबल इन सोल्ड होगा ठीक है सोल्ड सोडियम और कैल्शियम साल्ट के फॉर्म में होगा आपका ये सोल्युबल। फोर्थ आपका हमारा ये इट इज 5 5 टाइम्स ठीक है जी 550 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर आपके चीनी से ना चीनी से ये 550 टाइम ना ज्यादा मीठा होता है। तो इसके चार पॉइंट थे फर्स्ट इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सेकंड डायबिटिक पेशेंट वो यूज करता है और उसमें उस उनसे क्या होता है कि क्यों यूज करता है कि ये ना एक्सक्रीट हो जाता है बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन। तीसरा हमारे पास इनसोल्युबल फॉर्म होता है और इसकी जो सोल्युबल फॉर्म है ना सोल्ड मार्केट में सोल्युबल फॉर्म है ना वो सोल्ड होती है वो उसको बेच जाता है सोडियम कैल्शियम साल्ट की फॉर्म में। फोर्थ है इट इज 5 5 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर 550 टाइम है ना ये ज्यादा मीठा होता है शुगर से। सेकंड जो पढ़ेंगे ना बच्चों वो हमारा कौन सा होगा एस्पार्टेम ये समझ आ गया क्लियर सर। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम क्या होता है देखो सेकंड जो स्वीटनिंग एजेंट हमारा वो कौन सा थी एस्पार्टेम ये भी ना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपका फर्स्ट चीज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सेकंड ये हो जाएगा हमारा क्या दीज आर आल्सो यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट बिकॉज़ इट एक्सक्रीट आल्सो थ्रू यूरिन ठीक है जी। दो पॉइंट तो सेम आएंगे। थर्ड इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीट 100 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर ठीक है जी। ये आपको शुगर से ना 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर ठीक है नहीं। फोर्थ अब इसमें क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी का और फोर्थ ना जो फोर्थ पॉइंट है उसका आंसर है क्वेश्चन दे रखे व्हाई एस्पार्टेम आर
यहाँ देखना इसका आंसर क्या आएगा, एन सेट क्वेश्चन दे रखा है, पूछा गया एस पर टेम, एस पर टेम, एस पर टेम, एस पर टेम क्या होता है, एस पर टेम डीकंपोज, डीकंपोज एट बेकिंग, बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर, दोबारा देखना है बोल एस पर टेम डीकंपोज होगा किस पे, बेकिंग पकाते हैं तब, कुकिंग जब आप कुक करते हो, कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है, सो सो इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल, स्टेबल एट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज मतलब कि जब टेम्परेचर कम होगा ना उस दौरान इसको स्टोरेज या स्टेबल होगा, स्टेबल बिकॉज हाई टेम्परेचर के ऊपर डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज, ठीक है जी। थर्ड जो हमारा था ना वो कौन सा है, एलिटेम। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड एलिटेम। अब एलिटेम बना देखो सिमिलर एस्पार्टेम, ठीक है, इट इज सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जैसा ही होता है, ठीक है। सेकंड इट इज 2000 टाइम्स, 2000 टाइम्स मोर स्वीट, मोर स्वीटर एंड स्वीट देन शुगर, आपका ये 2000 टाइम 2000 गुना ना ज्यादा मीठा होता है इससे, चीनी से, ध्यान रखना। और इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज प्रॉब्लम इन एलिटेम, दिस प्रॉब्लम आती है इट इट हैज वन कॉमन प्रॉब्लम, इट हैज वन कॉमन प्रॉब्लम, क्या कॉमन प्रॉब्लम होगी देखो क्या, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंट्रोल स्वीटनेस ऑफ फूड, स्वीटनेस ऑफ फूड, ये कहना चाह रहा है कि जिसमें इसको एक बार ऐड कर दिया ना तो उसको वापस है ना आप वैसे वैसे दोबारा नहीं कर सकते या फिर उसकी जो मिठास है उसको कम नहीं कर सकते, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्वीटनेस ऑफ फूड, ठीक है जी। जो फूड के अंदर जिस फूड में आप ऐड करोगे तो उसको जो स्वीटनेस है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसमें एनसीएंटी क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है ना, इसके बाद में कौन सा आता है, सुक्रोलोज, सुक्रोलोज वो भी आसान नहीं है, सुक्रोलोज जो क्या होता है, सुक्रोलोज फॉर सुक्रोलोज, सुक्रोलोज ना ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सेकंड है ना वो क्या हमारा, इट इज 600 टाइम्स, इट इज 600 टाइम्स मोर स्वीट, मोर स्वीट देन शुगर, ये 600 टाइम्स ना ज्यादा मीठा होता है शुगर से, ठीक है। थर्ड इट लुक्स एंड टेस्ट, टेस्ट लाइक, इट लुक्स एंड टेस्ट लाइक कैसा होगा, सुक्रोज, सुक्रोज, ये सुक्रोज है ना, सुक्रोज, सुक्रोज जैसे ही टेस्ट होती है और देखने में भी आपका सुक्रोज जैसा ही मिलेगा। तो आपके चार थे, चारों चारों थ्योरेटिकल्स हैं, चारों चारों तीन चार 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 तीन तीन पॉइंट है, आसानी से नोट्स बन जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारा मिशन जो आता है ना वो कौन सा आता है, हमारा एंटी ऑक्सीडेंट, हमने पहला पढ़ लिया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो दूसरा हमारे पास अपना वो कौन सा है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, तो एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है, देखो एंटी ऑक्सीडेंट नाम से इंडिकेट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट, ये क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच विच प्रिवेंट, वो प्रिवेंट रोकते हैं किसको, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट लाइक कौन कौन सा होता है हमारा, बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट के अंदर ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो एंटी ऑक्सीडेंट, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट लाइक बिस्किट आपका, ठीक है, क्रैकर, क्रैकर मतलब कुरकुरे, क्रैकर्स, ठीक है जी, पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स, ठीक है जी, एंड ब्रेकफास्ट मटेरियल, एंड ब्रेकफास्ट मटेरियल, जो भी ब्रेकफास्ट मटेरियल्स होता है ना उसके अंदर यूज करते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट लाइक बिस्किट आपका, क्रैकर्स, पोटैटो चिप्स, ब्रेकफास्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। अब इसके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है, कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बी एच ए एंड बी एच टी,
ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, BHA और BHT। अब BHA BHT क्या होता है, देखो BHA BHT की स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगी, स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे कि बेंजीन है, यहाँ पर हमारे पास OH है, इस कार्बन के साथ तीन CH3, इस कार्बन के साथ तीन CH3 और साथ में यहाँ पर क्या OCH3। सेम टू सेम हमारे पास दूसरा जो आएगा ना यहाँ पर है OH CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस और यहाँ CH3। तो इसमें कुछ भी थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर OCH3 CH3 डिफरेंस है, बाकी देखने में दोनों जैसे हैं। जब OCH3 लगाएंगे तो एंडिसोन बोलेंगे, उसका BHA बोलोगे, BHA फुल फॉर्म क्या होगी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एनिसोल। और जब CH3 लगा था टोलुइन बोलोगे BHT, और BHT फुल फॉर्म क्या होगी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो इस तरीके से आपका एंटीऑक्सीडेंट भी होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जांपल BHA स्ट्रक्चर ये रही, ए बोलूं एनिसोल और CH3 लगाना आपको ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। फिर इसमें एक एग्जांपल और आता है विटामिन सी है ना, विटामिन सी वो भी आपका ना एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो कहता है ना कि विटामिन सी है ना ज्यादा ज्यादा जूस पीना चाहिए, ठीक है, तो क्यों, ऑक्सीडेशन का काम एंटीऑक्सीडेशन काम करता है। तो इसी के अंदर एक एग्जांपल है विटामिन सी और एक विटामिन ई आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ये भी क्या काम करता है आपका, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी विटामिन ई आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी, क्लियर। तो ये इसी के साथ हमारा एक हम खत्म हो चुका, ठीक है, कंप्लीट हो चुका। अब एक इसका छोटा टॉपिक बचा है फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है जी, फूड प्रिजर्वेटिव। तो वो क्या होता है, देखो प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव आपने सुना हो, नाम से इंडिकेट, प्रिजर्व मतलब लंबे टाइम तक स्टोर करना, कोई भी चीज खराब ना हो, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि गर्मी चीज सर्दियों में, सर्दियों चीज गर्मी में चल जाते हैं, मिल जाते ना। जैसे आपके आम है ना, आम मैंगो को गर्मियों में आता है, लेकिन हमें बारिश के मौसम में भी सर्दियों में भी चाहिए, तो उसको क्या करता है, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व लंबे टाइम तक, ठीक है। आपके घरों में देखते हो मम्मी ना अचार डालती है, तो अचार 6 महीने चल जाए, साल भर चल जाए, 2 साल चल जाए, तो उसके लिए क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, ऑयल या फिर साल्ट। तो क्या काम करते हैं, प्रिजर्व काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स। तो सबसे पहले तो होते ही हैं द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट फूड, जो फूड का प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस, ठीक है जी, माउल्ड्स एटसेट्रा। सीधी सी बात है, केमिकल सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट फूड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके प्रोटेक्ट करें, उनको मार दे, उनकी ग्रोथ को रोक दे ना, उसे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस। अब इसकी दो टाइप होती है, क्लास वन प्रिजर्वेटिव, जिसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है, साल्ट, ठीक है जी, ऑयल और शुगर। तो ये जो आप फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये सभी पता है, अचार बनाते हो तो उसमें साल्ट नमक ज्यादा डालते हैं, दूसरा ऑयल ज्यादा डालते हैं, ऑयल दोनों ही दोनों लंबे टाइम तक स्टोर कर रहे हैं। और चीनी मुरब्बा, आपने आवड़ा मुरब्बा खाया हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर चीनी चीनी शुगर डालते हैं कि वो खराब ना हो, ठीक है, 6 महीने साल भर चल जाता हमारा, तो वो क्लास वन के अंदर आते हैं। क्लास टू है ना, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे हमारे वो कौन कौन से आएंगे, इपॉक्साइड और सोर्बिक एसिड या इसको ये बोलते हैं सोर्बेट, ठीक है जी। और इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, सोडियम बेंजोएट और या तो सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। इसमें चार हो गए, पहला इपॉक्साइड, सोर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। अब चारों का एक ही है प्रिजर्व का प्रिजर्वेटिव, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस एग्जांपल का, किसको कहां पर यूज करते हो आप, ठीक है। तो चारों चारों हैं क्या,
प्रिजर्वेटिव। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला जो हमारा आता है ना वो फर्स्ट कौन सा है, इपोक्साइड है। इपोक्साइड, तो इपोक्साइड में कौन कौन से होते हैं, मेनली इथाइलिन, इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन, इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड या इपोक्साइड, इथाइलिन या प्रोपाइलिन इपोक्साइड ऑक्साइड, ठीक है। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, ये क्या काम करता है, प्रिजर्वेटिव किसके अंदर, इन लो मॉइस्चर फूड, लो मॉइस्चर फूड, ऐसे फूड भी यूज करता है जिनकी मॉइस्चर कम होती, कम, ठीक है, लो मॉइस्चर फूड, लाइक मेनली किसमें करते हैं हम इसका यूज, लाइक स्पाइस, मिर्च मसाले होते हैं ना उसके अंदर, ठीक है, नट्स, नट्स के अंदर, ठीक है नहीं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, एटसेट्रा, इनके अंदर इसका यूज करते हैं। किस पहला है ऑक्साइड, इथाइलिन प्रोपाइल ऑक्साइड है ना, ये इसके मेन एग्जांपल है, जो लो मॉइस्चर फूड है ना वहां पर काम करता है, लाइक स्पाइस के अंदर, नट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, क्लियर हुई। तो सारे थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, कि एक दो बार में वीडियो सुन लोगे ना, दो तीन बार तो सारे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ना सोर्बिक एसिड, सोर्बिक एसिड, सोर्बिक एसिड, या फिर इसको सोर्बेट बोलते हैं, सोर्बेट साल्ट। तो सोर्बिक एसिड है ना, ये क्या करता है आपका मेनली, तो ये करता है प्रिवेंट, प्रिवेंट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ ऑफ किसका, ग्रोथ ऑफ माउल्ड्स, माउल्ड्स एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है जी। इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन, इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन इन फूड लाइक, लाइक पिकल्स, अचार के अंदर भी यूज करते हैं इसका, पिकल्स के अंदर, ठीक है, अचार के अंदर, चीज के अंदर, ठीक है, एटसेट्रा, तो इनके अंदर यूज करते हैं। अगला हमारा आता है कौन सा हुई, नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, नेक्स्ट देखो जी सोडियम, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये होता है Na2S2O5, Na2S2O5, ठीक है, Na2S2O5, तो ये क्या काम करता है, काफी होता है, देखो मेन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन, इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन इज ड्यू टू, इज ड्यू टू SO2, ये ना SO2 ही होल्ड करता है, SO2 छोड़ता है, SO2 व्हिच रिएक्ट विद, व्हिच रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म H2SO3, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड, H2SO3, मतलब क्या कहना चाह रहा है, पास ये Na2S2O5 है, ये टूटेगा, इसके अंदर Na2SO3 और SO2, Na2SO5 है ना, टूटेगा Na2SO3 और SO2, अब H2O और SO2 तो दोनों कंबाइन होंगे, तो इसलिए बन जाएगा H2S O3, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड, ठीक है जी। और सल्फरस एसिड क्या करता है हमारा, सल्फरस एसिड ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। और ये कहां पे काम आता है हमारा, प्रिजर्वेटिव एक्शन इन मेनली आता है जैम्स के अंदर, जैम्स, ठीक है जी, मिट्टी के अंदर यूज करते हैं जैम्स, पिकल्स के अंदर, ठीक है जी, फिश प्रोडक्ट के अंदर, फिश के अंदर, मीट के अंदर, ठीक है, एटसेट्रा, इनके अंदर यूज करते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा नहीं प्रिजर्वेटिव थे सारे कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक है मेडिसिन, वो जल्दी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है जी, धन्यवाद।